नमस्ते, आप सभी का आशाज किचन में स्वागत है। तो आज की रेसिपी में हम बनाने वाले हैं ब्रेड मलाई, या तो आप इसे शाही टुकड़ा भी कह सकते हो। तो चलिए बिना किसी टाइम गलाए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे हमने लिया इंग्रेडिएंट्स, यहाँ पे लिया 250 ml दूध, साथ ही में इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए, शक्कर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने हमारे हिसाब से शक्कर लिया, केसर फ्लेवर के लिए, यहाँ पे लिया हमने ड्राई फ्रूट जिसमें हमने काजू बादाम फाइनली चॉप किया हुआ है, आप चाहे तो कोई भी ले सकते हो। यहाँ पे लिया हमने फ्रेश मलाई 1 कप, साथ ही साथ हमने लिया है यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर जो कि हमें सिर्फ वेनेला फ्लेवर का ही डालना है, तो यहाँ पे हमने वो ही लिया है। और लास्ट में लिया हमने ब्रेड के स्लाइसेस। पहले हम 4 बड़े ब्रेड को एक एक करके इस पर रख देंगे, और फिर हमें इसे पहले बीच से कट करके फिर साइड से कट करके स्क्वायर शेप में काट देना, जिससे आपके 4 टुकड़े हो जाएंगे ब्रेड के। आपको खास इसी तरीके की शेप में ब्रेड को काट लेना है, देख सकते हो इसी तरीके से। तो हम एक एक करके सब ब्रेड को स्क्वायर शेप में काट देंगे। यहाँ पे हमारा एक दो हिस्सा हो चुका है, तो हम अब ऐसे करके सब काट देंगे, देख सकते हो इसी तरीके से आपको कर लेना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये रेसिपी झटपट हो जाती है। तो पहले हम पैन में घी डाल देंगे और घी को थोड़ा गर्म होने देंगे। ख़ास करके ध्यान रखिए आपको घी ही डालना है, आप चाहे तो नहीं भी डाल सकते, पर घी से टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो यहाँ पे एक एक करके हम पैन में ब्रेड रख देंगे और इसे गोल्डन होने तक सेक देंगे दोनों तरफ से। एक एक करके हमने रख दिया है सभी ब्रेड को, हम वन साइड कर देंगे, फिर दूसरी तरफ भी इसे गोल्डन होने देंगे। ये आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए, कोई मेहमान आ जाए, तो आप इस डिश को बेहद आसान तरीके से बना सकते हो। सब चीज़ें घर पे ही होती हैं, इंग्रेडिएंट्स इतने कम इंग्रेडिएंट्स में बनती हैं और काफ़ी टेस्टी होती है। दिखने में भी जितनी अच्छी है उतनी बनाने में और खाने में भी अच्छी होती है रेसिपी। तो ये स्वीट डिश को आप ज़रूर ट्राई करें घर पर, और बनाने के बाद हमें कमेंट करना ना भूलें। देखिए हमारे सब ब्रेड हो चुके हैं गोल्डन, हम इसे काट देंगे साइड में। अब हम लेंगे एक पैन और उसमें डाल देंगे दूध। तो दूध को हमें गर्म करना है, तो हम स्लोली स्लोली मीडियम फ्लेम पे ही रखें, ज़्यादा हाई ना रखें नहीं तो दूध जल जाएगा। फिर इसमें हम डाल देंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स हमें इसमें ऐड करने हैं, तो पहले हम वो बाद में कर लेंगे। पहले हम साइड में थोड़ा सा दूध काट देंगे और उसमें डाल देंगे कस्टर्ड पाउडर। तो यहाँ पे हम 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाल ले रहे हैं और इसे मिक्स कर देंगे। आपको कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद तुरंत इसे मिक्स करना है, गुठलियाँ ना होने देना इसमें, तो इस बात का ध्यान रखें। गरम गरम दूध में नहीं डाले कस्टर्ड। देखिए हम स्लोली इसे मिलाते रहिए, इसे हमारा दूध साइड में हो चुका है अभी पूरी तरीके से। हल्के हाथों से ही आपको इसे घुमाना है। दूध हो चुका है गरम, अब इसमें हम डाल देंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स। तो पहले इसमें हम डाल देंगे शक्कर। शक्कर हमने हमारे स्वाद के हिसाब से डाली है, आप आपके स्वाद के हिसाब से डाल सकते हो, किसी को ज़्यादा पसंद है किसी को कम, या तो आप इसमें पीसी हुई शक्कर भी डाल सकते हो, इससे टाइम भी बच जाएगा आपका। अब इसमें डाल देंगे हम केसर। केसर डालने से इसका कलर भी अच्छा आएगा और फ्लेवर भी अच्छा आएगा। साथ ही में हमने इसमें डाला 1 चम्मच इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए। ऐसे हल्के हाथों से हम इसे चलाते रहेंगे। पता है हमें वीडियो हमें डालने में बहुत देरी हो चुकी है, कुछ इश्यूज़ की वजह से हमने ये वीडियो रोका हुआ था, तो अब हम इसे डाल रहे हैं। सब वीडियो इसके बाद तुरंत तुरंत आएगी। चैनल को सपोर्ट करते रहिए और सब्सक्राइब करें ऐसी और डिशेस के लिए। अब इसमें हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में हमने सिर्फ काजू बादाम डाले हुए हैं, आप चाहे तो पिस्ता वगैरह आपके हिसाब से डाल सकते हो। आप हिलाते रहेंगे हल्के हाथों से। दूध उबल चुका है, तो अब इसमें हम डाल देंगे कस्टर्ड। तो उस कस्टर्ड का हम जो पेस्ट हमने ऑलरेडी साइड में बना के रख दिया था, अब इसे हम डाल देंगे। तो स्लोली स्लोली आपको इसे डालना है और हाथों को रुकाना नहीं है, हाथ चलाते रहिए, आप ऐसे ही हाथ चलाते रहिए। तब तक दूध का टेक्सचर जो है वो गाढ़ा होना चालू हो जाएगा, दूध तब जाके आपका टेक्सचर पूरा आ जाएगा।
देखिए इस तरीके का टेक्सचर आना चाहिए, दूध गाढ़ा हो चुका है पूरा। इसके लिए हमें कस्टर्ड पाउडर डालना था, आप इसकी जगह मिल्क पाउडर भी डाल सकते हो, बट वैनिला का कस्टर्ड पाउडर ही डालें, उससे स्वाद काफ़ी अच्छा आता है। जो कंसिस्टेंसी हमें चाहिए थी वो आ चुकी है, तो अब हम साइड में एक कटोरी ले लेंगे और उसमें डाल देंगे मलाई। तो यहाँ पे हमने एक कटोरी तक मलाई ली थी, बट हमें जितनी चाहिए हम उतने का इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इतनी मलाई काट चुकी है साइड में, इसमें डाल देंगे शक्कर पीसी हुई और इन सबको मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब इसमें हमें ब्रेड के जो स्लाइसेस हैं उसके बीच में हमें पहले इसे एक चम्मच से लगा देना है और दूसरे ब्रेड को ढक देना है इसके ऊपर। इसी तरीके से सब ब्रेड को हम तैयार कर लेंगे। और फिर हम लेंगे एक प्लेट और प्लेट में डाल देंगे, एक एक करके सब ब्रेड के स्लाइसेस को हम सजा देंगे अच्छी तरीके से। देखिए इस तरीके से सब ब्रेड को लाइन से लगा देंगे, बहुत कम समय में ये रेडी हो चुकी है। देख सकते हो मुश्किल से 10 मिनट लगता है ये रेसिपी बनाने में। ऊपर से हम इसमें डाल देंगे दूध का जो हमने बनाया हुआ है वो डाल देंगे मिक्सचर। देखिए ब्रेड मलाई हो चुकी है रेडी, इसे आप घर पे बनाएं, सबको बेहद पसंद आएगी। और इसी तरीके से हमारी रेसिपीज़ को फॉलो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और ये रेसिपी जितनी हो सके उतनी शेयर कीजिए। आपका ऐसे ही सपोर्ट हमारे पे बनाए रखें। देखिए ब्रेड मलाई हो चुकी है रेडी, नेक्स्ट रेसिपी आपको कौन सी चाहिए हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।